नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चंद्र राशि से राशिफल की जानकारी देंगे। आप सब अवगत हैं कि साल 2020 का अनुभव काफ़ी खराब रहा। कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण वैश्विक स्थिति जो है खराब रही। उम्मीद करते हैं कि नववर्ष 2021 में इस समस्या से निजात मिलेगी। अंग्रेजी नववर्ष का आरंभ होने वाला है। सभी लोगों को सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नए साल को लेकर हर व्यक्ति के मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि नववर्ष में उनका करियर, बिजनेस, आर्थिक जो कंडीशन है, पारिवारिक वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, सेहत कैसी रहेगी। इसके अलावा नए साल में भाग्योदय होगा या फिर नए साल में कठिनाइयों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब और भविष्य की सफल योजनाओं को बनाने के लिए वार्षिक राशिफल की सहायता ली जाती है। वार्षिक राशिफल में पूरे साल की भविष्यवाणी की जाती है, जिसमें जातक के चंद्र राशि के आधार पर नया वर्ष उनके लिए क्या संकेत दे रहा है, जैसे नए वर्ष में करियर के क्षेत्र में कैसे परिणाम हासिल होंगे। अगर हम वित्तीय मामलों की बात करें, आपके पास पैसे आएंगे या खर्च का बोझ बढ़ेगा, ग्रहों की चाल से आपका भाग्योदय होगा कि नहीं होगा, लव लाइफ में रोमांस रहेगा या फिर परेशानी होगी, परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, हम चर्चा करेंगे। सभी 12 राशियों के राशिफल के संबंध में नया वर्ष 2021 कैसे रहने वाला है। मित्रों, नौ वर्ष की जो कुंडली बनती है वह कन्या लग्न और कर्क राशि की है। कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि और पुष्य नक्षत्र है। और अब बात करेंगे नौ वर्ष में मेष राशि के जातकों के संबंध में। मेष राशि के जातकों के लिए इस वर्ष उनकी आर्थिक स्थिति पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर रहने वाली है। खर्चों में कमी आएगी। इस साल किसी को उधार दिया गया धन वापस मिलेगा। कैरियर के नज़रे से अगर हम देखें तो वर्ष की शुरुआत में ही नौकरी पाने के अच्छे मौके मिलेंगे। वर्ष 2021 के मई से लेकर अक्टूबर तक के ग्रहों के बकरी होने पर नौकरी व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। मेष राशि के जातकों को जून के बाद साथी कर्मचारियों की वजह से तनाव आ सकता है, इसलिए धैर्य के साथ अपनी बात रखें, धैर्य के साथ काम करें। इस वर्ष के अंत में आप नौकरी बदल सकते हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें भी मनचाही जगह पर काम करने का मौका मिलेगा। अगर मेष राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन की बात करें तो वर्ष के शुरुआती महीनों में परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मन मिटाव पैदा हो सकता है। मन में खटास, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। मई से जुलाई तक के समय में घर में खुशनुमा माहौल रहेगा, जिससे रिश्तों में आपसी सुधार आएगा, परिवार का आपसी मेलजोल भी बढ़ेगा। अगर इस वर्ष प्रेम विवाह की बात करें तो इस वर्ष मेष राशि के लिए साल की शुरुआत में प्रेम जीवन के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। अगर आप अकेले हों तो मार्च के बाद आपको कोई पसंद आएगा। अगर ऐसा होता है तो समय से ही अपने प्रेम का इजहार कर दें। सेहत के नज़रिए से इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। सेहत में सुधार के लिए आपको योगा करना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य आगे भी ऐसा ही साथ दें। वर्ष के अंत में थोड़ा सावधानी बरतें, कहीं चोट लग सकती है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने मेष राशि के जातकों के संबंध में जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारा आपसे एक निवेदन है, हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। और नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य धीरज बलूनी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।